नमस्कार दोस्तों, आज हम जुड़े हैं तिल के ऊपर चर्चा करने, और उसमें भी हम देखेंगे कि तिल की विभिन्न किस्में कौन कौन सी हैं और उनके क्या क्या गुण हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं गुजरात तिल 3 नंबर वेराइटी की। ये 2005-06 में रिलीज हुई थी जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा, और इसका सौराष्ट्र रीजन में एक काफ़ी अच्छा दबदबा हमको देखने को मिलता है, और इस रीजन में आज भी इसे ग्रो किया जाता है। 2005-06 में रिलीज हुई और आज भी कई इलाके इसे करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि ये मानसून सीजन में भी कर सकते हैं और इसे गर्मियों में भी। गुजरात में ज़्यादातर तिल को समर सीजन या कहें ग्रीष्म ऋतु के समय किया जाता है, और इसका उत्पादन जब हम देखें तो एवरेज उत्पादन 1706 किलोग्राम जो आप देख रहे हो प्रति हेक्टेयर देखने को मिलता है, और औसत उत्पादन 700 से 1200 के बीच में वेरी करता हुआ दिखाई देता है। ये हेक्टेयर की बात की जा रही है, और इस थोड़ा उत्पादन कम है, लेकिन खेती करने का हम तरीका बता देते हैं। ग्रीष्म ऋतु में अगर आप करने जा रहे हैं तो 15 फरवरी सबसे अच्छा समय माना जाता है, और जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी द्वारा जब इसका रोपण की एक रिसर्च हुई थी उसमें देखा गया कि 30x10 की अगर आप जो रखेंगे दूरियां एक कतार से दूसरे कतार के बीच में, तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आपका प्रोडक्शन थोड़ा अच्छा आपको देखने को मिलेगा। और जैसे जैसे, लेकिन अगर आप मानसून में कर रहे हो तो थोड़ी कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बीज दर की बात करें तो 3 किलोग्राम प्रति एकड़ रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, और उर्वरक के तौर पर जो आप फर्टिलाइजर यूज करते हैं उसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम की मात्रा 50-25-40 के रेशियो में आप डाल सकते हैं प्रति हेक्टेयर में। आगे चलते हैं, विशेषताएं देख लेते हैं। 3 नंबर की हम विशेषताएं बताए जाए, जो तेल का प्रतिशत है वो 47% है, जो कि सीसमम की जब तिल की जब हम बात करते हैं तो उसके हिसाब से थोड़ा कम है इसमें, और रोगों कीटों के खिलाफ थोड़ी प्रतिरोधक क्षमता थी इसलिए ये वेराइटी थोड़ी फेमस हुई है, और ये 80-85 दिन के लगभग पककर तैयार हो जाती है, जिस कारण इसमें आज भी किसान लोग इंटरेस्ट दिखाते हुए नज़र आते हैं। और इसकी सबसे जो इम्पोर्टेंट बात थी कि निर्यात के लिए काफ़ी सुविधाजनक थी, और गुजरात से काफ़ी तिल निर्यात की जाती है, उसके लिए 3 नंबर काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन माना जाता था। आगे बात करते हैं कि इसके फूल आने का समय, जब भी फूल आने का समय से लेकर कोई टॉपिक आपको देखने को मिले तो उससे ये समझ लीजिए कि कवि ये कहना चाह रहे हैं कि आपका जैसे 39 दिन यहाँ पे लिखा है फूल आने का समय, यानी आपके खेत में लगभग 50% फ्लावरिंग 39 डेज के अंदर हो जाएगी, और पूरी फ्लावरिंग इसमें लगभग आपको 45-50 दिन के लगभग आपको देखने को मिलेगी, और फूल का रंग हल्का बैंगनी देखने को मिलेगा। ऊंचाई ठीक है, वैसे नॉर्मली 3 फुट तक है, लेकिन गर्मियों में आपको 2 फुट तक ही देखने को मिलेगी। शाखाएं इसमें ठीक है, ये ब्रांचेस वाली वैरायटी है 3 नंबर, और इसमें आपको 3 ब्रांचेस ही देखने को मिलेंगी। आगे और बात करते हैं, पत्ते इसमें बड़े बड़े आते हैं जिसके कारण ठीक है इसमें फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छा सा होता है, और बीज बहुत अच्छे बढ़ते हैं जिसके कारण बीज में वजन अच्छा आता है, और फली में कक्षों की संख्या 4 होती है। ये जो आप फलियां देख रहे हैं इसमें 4 कक्ष देखने को मिलेंगे, और बीज का रंग सफ़ेद है, और यही कारण है इसका कि ये निर्यात के लिए इतनी सूटेबल है। ठीक, आगे बात करते हैं। फिर इसके बाद जो वेराइटी आई गुजरात तिल 4 नंबर, ये 2010 में वेराइटी रिलीज हुई फिर से जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और इसका जो अधिकतम उत्पादन हमको देखने को मिलता था वो 12 क्विंटल प्रति एकड़, वहाँ पर हमको 17 क्विंटल देखने को मिला था ठीक है पूरे हेक्टेयर में, और यहाँ पर हमको 12 क्विंटल सिर्फ 1 एकड़ से आता हुआ दिखाई दिया, और इसी कारण ये वैरायटी को रिलीज किया गया था, और औसत उत्पादन भी इसका 6 क्विंटल देखने को मिलता है एकड़ में, जो कि काफ़ी अच्छा है। फूल आने का समय थोड़ा डिले हो जाता है, लेकिन ये फसल जल्दी पककर तैयार हो जाती है। फूल का रंग भी हल्का बैंगनी देखने को मिलता है, और 3 नंबर से कंपेयर करें तो इसकी हाइट अपन को ठीक है 1 फीट लगभग ज़्यादा देखने को मिलती है। शाखाएं इसमें आप समझिए 3 नंबर से कम हो जाती है, 3 नंबर में हमको 3-3 शाखाएं देखने को मिली थी, यहाँ अपन को 1 से 2 शाखाएं देखने को मिली हैं, लेकिन इसके उत्पादन में कमी नहीं आती क्योंकि ये इसकी संख्या अपन को ज़्यादा देखने को मिलती है फलियों की।
आगे बात करते हैं, इसका भी पत्ता हमें बड़ा देखने को मिलता है कैप्सूल में, जैसा कि बताया गया फलियों में चार अपन को कक्ष देखने को मिलेंगे और 83 दिन में ये पककर तैयार हो जाएगी। देखिए इसमें फूल थोड़े लेट आते हैं पर पककर ये 3 नंबर से भी पहले तैयार हो जाती है, ये इसकी खासियत है। बुआई की दूरी आप देख कीजिए कि अगर 60 सेंटीमीटर तब रखना है मानसून में, गर्मियों में अगर आप करना है तो 30 सेंटीमीटर आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, बीज दर 3 किलोग्राम प्रति एकड़ सेम रहेगा। ठीक है, उर्वरक की क्षमता भी सेम रहेगी 50-25-40 के रेशियो में, और तेल का प्रतिशत यहाँ बढ़ गया है, वहाँ पहले 47% था, यहाँ पर 48% अपन को देखने को मिलता है। और सबसे अच्छी खासियत इसमें लीफ स्पॉट डिसीज देखने को नहीं मिलती, जो कि किसानों के लिए काफ़ी दिक्कतें पैदा करती थी। ठीक है, और जल्दी पकने वाली किस्म, जैसा कि हम आपको बता ही चुके हैं। आगे बात करते हैं, जो इस वैरायटी की बात कर रहा हूँ मैं, गुजरात तिल 5 नंबर। ये वैरायटी काफ़ी स्पेशल है क्योंकि जब इसके पेरेंट्स के साथ इन्हें क्रॉस कराया गया था, तो नॉर्मली वैरायटी कोई भी रिलीज करते हैं तो पेरेंट्स से उसका रिजल्ट 10% ज़्यादा होना चाहिए, तब वो एज ए वैरायटी के तौर पर रिलीज कर सकते हैं। लेकिन गुजरात तिल 5 नंबर एक ऐसी वैरायटी थी जो बाकी 3 नंबर और 4 नंबर के चलते 22.39% ज़्यादा उत्पादन करती हुई नज़र आई थी, और इस कारण ये वैरायटी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हो जाती है गुजरात के लिए और बाकी प्रदेशों के लिए भी। संशोधित वर्ष इसका 2014-15 है और सौराष्ट्र रीजन में इसकी काफ़ी ज़्यादा ग्रिप है, और इसी कारण है कि जूनागढ़ राजकोट जैसे इलाके एक अलग ही अपना रुतबा बना चुके हैं। 2014-15 में रिलीज हुई थी, और एक और आपको बता देते हैं कि 2014-15 के जब हम आंकड़े देखते हैं तो उस समय पूरे भारत में 50,000 हेक्टेयर पर तिल का उत्पादन हुआ था, जिसमें से 20,000 हेक्टेयर सिर्फ जूनागढ़ जिले से आया था। ये अभी तक का एक रिकॉर्ड है भारत में और जिसे आज तक नहीं तोड़ा गया है। ये इसकी 5 नंबर की खासियत है, और मतलब जूनागढ़ जिले की खासियत है, जो तिल के मामले में इतना उभर कर आया था ग्रीष्म ऋतु में। अधिकतम उत्पादन क्षमता बताए देते हैं आपको, 18.572। ठीक है, ये इसकी अधिकतम उत्पादन क्षमता है, जो कि बाकी वेराइटी से जैसा कि हमने बताया काफ़ी ज़्यादा। औसत उत्पादन भी आप देख सकते हैं, अभी तक औसत उत्पादन के मामले में इस वैरायटी को कोई भी कम्पीट नहीं कर पाया, 9.928। ठीक है, पिछली बार हम 6 क्विंटल औसत उत्पादन देख रहे थे 4 नंबर में, और यहाँ अपन सीधा 9.928 देख रहे हैं, इसलिए गुजरात तिल 5 नंबर इतना स्पेशल हो जाता है। रंग सेम हल्का बैंगनी रंग देखने को मिलेगा फूलों का, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, और ऊंचाई आपको 4 नंबर से थोड़ी छोटी मिलेगी लेकिन 3 नंबर से ज़्यादा मिलेगी। शाखाओं की संख्या 2.98, 3 नंबर से थोड़ी कम रहेगी और 4 नंबर से ज़्यादा रहेगी। पत्तियों का आकार लगभग बराबर रहता है, और कैप्सूल में कक्षों की संख्या यहाँ पर फिर से हमको सेम देखने को मिलेगी 4। आगे फिर चलते हैं इसकी खासियतों के बारे में। आप उर्वरक डालें तो सेम रखिएगा 50-25-40 के रेशियो में, उसमें कोई तेल की मात्रा इसमें थोड़ी कम हो जाती है, 46% रह जाती है, पर परिपक्वता यहाँ पर थोड़ी लेट पककर तैयार होती है, 3-4 के मुकाबले 5-7 दिन ज़्यादा लेती है। बुआई की जो दूरी रखें वो सेम रखें। ठीक है, इसमें भी 4 नंबर की तरह लीफ स्पॉट देखने को नहीं मिलता, कवक संबंधी कोई डिसीज देखने को नहीं मिलती, और बीज दर आप रखें 3 किलोग्राम प्रति एकड़, चाहे 3, 4, 5, 6 कोई भी वेरायटी लगाएं, बीज दर आपको 3 किलोग्राम प्रति एकड़ रखना है। ठीक है, और थोड़ी देर से पकने वाली किस्म है, बस ये इसका एक ड्रॉबैक है। आगे चलते हैं, और ये वेरायटी जो अभी इसके बाद कोई वेरायटी नहीं आई है, लेटेस्ट वेरायटी है गुजरात तिल 6 नंबर, जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी द्वारा 2017-18 में रिलीज हुई, फिर थोड़ा कोविड आ गया इसलिए पॉपुलर नहीं हो पाई, पर अभी ये धीरे धीरे बहुत पॉपुलर होती जा रही है। संशोधित वर्ष आप देख ही रहे हैं, अधिकतम उत्पादन इसमें सबसे ज़्यादा जो फेमस हुई है वो इसके अधिकतम उत्पादन, इससे ज़्यादा अधिकतम उत्पादन किसी भी वैरायटी का देखा नहीं गया। 3-4 किसानों का 21.75 क्विंटल प्रति एकड़ देखा गया, तो ये अगर किसी किसान को बताते हैं तो उनके लिए भी आश्चर्यजनक होता है कि इतना उत्पादन भी आ सकता है क्या। ये गवर्नमेंट के डाटा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। औसत उत्पादन भी इसका 8.08 क्विंटल है, जो कि काफ़ी अच्छा है 3-4 के मुकाबले, और परिपक्वता के दिन की बात कर लें तो 87 दिन लगभग लगभग आप बात करें तो 5 नंबर से 4-5 दिन पहले पककर तैयार हो जाती है। और इसकी थोड़ी खासियत देख लेते हैं, कई डिसीज से इसमें रेसिस्टेंट है, जो इसको काफ़ी वर्सेटाइल बनाती है।
सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, लीफ क्लस्टर डिसीज नहीं आता, और बाकी फंगल डिसीज भी इसमें बहुत कम देखने को मिलते हैं, जिस कारण ये वैरायटी बहुत स्पेशल हो जाती है। और तेल का प्रतिशत भी लगभग लगभग 5 नंबर जितना ही अपन को देखने को मिलता है। शाखाओं की संख्या अगर आप देखने को मिलेंगे तो देखिए, 3 शाखाएं अपन को देखने को मिलती हैं। पत्ती का आकार अपन को मीडियम देखने को मिलता है, बाकी सब में अपन को बड़ा बड़ा देखने को मिलता था, यहाँ पे अपन को मीडियम देखने को मिलेगा। लेकिन ये इसकी जो सबसे मेन चीज़ है, एक इसकी हाइट 3.4 फीट इसकी हाइट आती है, डिसीज के लिए काफ़ी रेसिस्टेंट है, इसलिए ये वेराइटी इतनी इम्पोर्टेंट है। और लास्ट में जाते जाते आपको एक और बताया देते हैं कि एक और वेराइटी है फुले बुलबुल नाम से, जो आजकल थोड़ी ट्रेंडिंग में चल रही है, ठीक है, वो भी वैरायटी, ठीक है, काफ़ी कुछ अच्छा परफॉर्म करते आ रही है। और उसमें भी सबसे बेस्ट चीज़ है कि बहुत सफ़ेद रंग अपन को देखने को मिलता है, जिसके कारण वो एक्सपोर्ट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।